घर की और तो भी चार दीवारी से निकाल के दिखाते हैं। बोलेगा गुनम की बात, दाल के पकोड़े, दाल के पकोड़े। गरम गरम अपने आप चल रही है, यही पानी बोतल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो फाइनली अभी मैं जा रहा हूं एक ट्रिप पे। मैं बताऊंगा नहीं कहां जा रहा हूं कहां नहीं जा रहा हूं, एक ट्रिप पे जा रहा हूं। मैं वहां पे आपको जाके बताऊंगा। अंदर मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, मेरे साथ मेरा मामा का लड़का है, मौसी का लड़का, अंदर मेरा मामा है। और मैं भाई बहुत जल्दी जल्दी मैं घर से निकला हूं। मतलब इतना जल्दी मैं था ना कि मैं घर से वीडियो शूट करना ही भूल गया था। अभी सीधा मैं बीकानेर स्टेशन पे हूं, एंड मैं बीकानेर स्टेशन दिखाता हूँ आपको कैसा कैसा नहीं। क्योंकि मैं जब रामदेवरा गया था ना फैमिली के साथ, तब मैं सही से शूट नहीं कर पाया था। अभी मैं एकदम प्रॉपर शूट कर पाऊंगा। एंड जो मेरी जो ट्रेन है वो मतलब एटलीस्ट 11:30 बजे की है, और मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ यहाँ पर बीकानेर स्टेशन में। यानी स्टेशन पर जल्दी आ गया हूँ तो क्या कर सकता हूँ, मैं आपको बिकूरा बीकानेर का स्टेशन दिखाऊंगा कैसा है कैसा नहीं है। एंड जैसे ये पेंटिंग बनाई हुई है, मतलब 3D पेंटिंग बनाई हुई है महाराणा प्रताप। तो ये पेंटिंग ऐसी बना रखी है, घोड़े पे हैं, नीचे ये कुछ लोग हैं, एंड देन महाराणा प्रताप ऊपर भाला लेके तलवार लेके बैठे हैं। और ऐसी की ऐसी बहुत सारी पेंटिंग उस वाली 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारी पेंटिंग्स। अभी उधर चलते हैं, उधर दिखाते हैं हम आपको कैसी है कैसी नहीं है। एंड जो इससे भी अच्छी अच्छी जो पेंटिंग्स है ना वो 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी है अभी, तो वहां चल के आपको वहां दिखाता हूं मैं आप सबको। जूनागढ़ बनवा रखा है इधर पेंटिंग करके, सामने भी कुछ मूर्तियां लगाई हैं, बट 3D प्रिंट टाइप ही है ये, तो पूरा 3D है। एंड देन इधर भी लगाई हुई है, अपने कल्चर के हिसाब से बनाया हुआ है जो भी। देखो जैसे ये 3D खत्म है, मतलब ये बांसुरियां जो इनकी बाहर निकली हुई है, फेस पूरा बाहर, ऐसा लग रहा है ना कि ये रियल ही है। फाइनली ये सब आ चुके हैं। देन ये है वैसे मेरे मासी का लड़का, देन ये मेरा मामा है, देन वो मामा का लड़का है नीतू, और बहुत सारे अभी ट्रेन के अंदर। मैं इंट्रोडक्शन शायद कल करवाऊंगा सुबह। अब जा कहाँ रहे हैं वो भी एक सस्पेंस है, कल सुबह पहुंच के ही बताऊंगा कहाँ जा रहे हैं। ट्रेन स्टार्ट होने वाली, चलते फटाफट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी आएगा रोड पे। चल भाई भाई, मेरी ये ग्रीन वाली है, खुलगी खुलगी खुलगी, वापस आके ये ग्रीन वाली। अभी अभी मार्केट में आया हूँ वापस यार मैं, यार ये फिर मेरी चारों गोटियाँ अंदर डाल दी यार, ये चाय का लग गया आज मेरे भाई को। मिलानी है अभी को, रात को, रात वाली चाय की बात हो रही है भाई। मेरी गोटी फिर से खुल चुकी है, अभी देखो मेरी गोटी से कितनी गोटियाँ काट सकता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, चाय बिस्कुट साइन। तो मैं क्या 3 नंबर में रहूंगा, 4 नंबर में ही रहूंगा। 4 नंबर रहने वाला चाय पिलाएगा, 3 नंबर रहने वाला बिस्कुट खिलाएगा। अच्छा, और अभी 2 नंबर वाला कुरकुरा और ले लेगा, 2 नंबर वाला खाएगा, 1 नंबर वाला पिएगा। भाई अब 4 गोटियां खुल चुकी है मेरी, अभी देखता हूँ यहाँ पूरा मैं बवाल मचा दूंगा। सफेद आज मुश्किल में फंसा हुआ है। पहला छोटा है मेरा 3 ये खाली हो गया, सपेरे के पास कुछ है ही नहीं भाई। सपेरा मेरी यार पबजी में आईडी का नाम था, अभी कहाँ सपेरा हूँ। अभी नोटिस आई यार। 15 मिनट्स लेटर। तो भाई वो जो लूडो का गेम था ना वो बंद हो चुका है, क्योंकि उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, तो लूडो का गेम खत्म हो गया था। और मेरे को पता था मैं हारने वाला था, तो मेरी चाय और बिस्कुट लगी नहीं है। मैंने अभी फोटो क्लिक किया यहाँ पे, जो मैं मेरे इंस्टा पे अपलोड कर दूंगा। तो मेरे को जिसे इंस्टा पे फॉलो नहीं करेगा तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। और ये मेरा नाम इंस्टा का, तो इंस्टा पे जाके फॉलो कर लेना। दिखाता हूँ कैसी लोकेशन है, यहाँ पे मैंने अभी फॉलो किया, जो आपको फोटो मेरे इंस्टा पे दिख जाएगी, आप इंस्टा पे जाके देख लेना यार। अभी है ना बैठे बैठे खुराफाती दिमाग में आया, वो करते हैं बाइक करे क्या, चाय ले लो, चाय चाय चाय। ओ
पानी बोतल पुष्पा पुष्पा राज एक और पुष्पा है पुष्पा सीन एक बार पहली बार लोकल डब्बे में हो लोकल डब्बे भाई लोकल डब्बे में जो मजा है ना वो रिजर्वेशन में नहीं है ठीक है क्योंकि यहाँ पे क्योंकि रिजर्वेशन के पैसे नहीं लगते तो चटनी खुद की बनी है वापस से डायलॉग निकल रहे 3-2-1 डायलॉग निकल रहे सनी देओल अरे वो स्टार्टिंग सर 3-2-1 एक बार फिर से है ना एक बार फिर से सबके रिएक्शन कैप्चर करते हैं ठीक है ना ठीक है बोलेगा कौन की बात दाल के पकोड़े एक बार बदल दो चाय 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 आखिर चाय वाला आ गया फाइनली चाय वाला आ चुका 3 बज रहे रात के अब आए चाय वाले अंकल फाइनली अभी भाई हम रामदेवरा में हैं अगर जिसने मेरा रामदेवरा वाला ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देखना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं उस ब्लॉग की रात को चाय मिली भाई भाई बाबा मिल गया जय बाबा मेरी रात को चाय भाई सुकून है गरम गरम चाय भाई अभी हम आए ना इनसे पूछने के लिए कि ये क्रॉस है कि नहीं है क्योंकि बहुत टाइम से रुकी हुई है ट्रेन इंजन में कोई नहीं है भाई अपने आप चल रही है ये तो फाइनली गाइज हम आ गए हैं अभी आए कहाँ हैं बताएंगे नहीं थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं पहुंच के गुड मॉर्निंग वैसे आप सभी को तो भाई अभी अपन चलते हैं अपने होटल के अंदर पैदल चल के हालत खराब हो गई है तो भाई यार अभी हम होटल में आ चुके हैं देन चेक इन भी कर लिया है अभी भाई बहुत ज़्यादा नींद आ रही है सोते हैं पहले देन उसके बाद सुबह मिलेंगे एंड सुबह ही भाई मैं डिस्कशन करता हूँ जो कुछ भी है सुबह बताता हूँ कहाँ आए कहाँ नहीं आए गुड मॉर्निंग गाइस यार आज दूसरा दिन और अभी सुबह के 10:30 से 11 बज रहे होंगे लमसम तो यार ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं क्योंकि व्लॉग अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो बहुत ज्यादा बड़ा व्लॉग हो जाएगा तो नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगा मैं इसी के जस्ट आगे और एक फंक्शन भी है तो मैं सारा कुछ बताऊंगा क्या है क्या नहीं है बाय द वे मैं जैसलमेर में हूं अभी सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर बहुत-बहुत धन्यवाद